ये हमारे दोनों शेर बिल्कुल तन के खड़े हो गए हैं वहां पे किसी आवाज सुनकर। शेरो आराम से चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज टको हैरी घर पे, इसीलिए मैं इनको लेकर आई हूँ। 6 बजे आई हूँ, लेकिन टको यूजुअली 5:30 के आसपास आ जाते, लेकिन बच्चे भी सो रहे थे और मुझे भी समझ में नहीं आया 6 जैसे ही बजे। तो मुझे ऐसे थोड़ा सा जग गई मैं, तो मैंने देखा कि यार थोड़ा सा उजाला टाइप का लग रहा है। फिर मैंने टाइम देखा तो 6 बज गए, तो मैं दौड़ के इनको लेकर आई। तो बच्चे भी कुछ आराम से आ गए हैं, मतलब 6 बजे तक ये रुक सकते हैं, टको इनको 5:30 बजे ले आते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चे सो रहे होते हैं और टको जाग के इनको जगा के फिर ले आते हैं। तो 6:15 आई थिंक इज द राइट टाइम टू गेट देम डाउन। फिलहाल तो घूम रहे हैं बच्चे बढ़िया से। अब मैं इनको पहले अच्छे से पकड़ लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। बाहर के कुत्तों में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इन लोगों को हो जाता है, कोई भौंक रहा हो कुछ हो, देखिए कैसे बिल्कुल करते हैं। नहीं खींच मेरे को यार सिम्बू, चलो पंचायती को देखो अपना, पॉटी वॉटी छोड़ के दूसरों को कैसे देखते रहते हैं। हैं, ये ऊपर चढ़ गया है, ये ढलांग के ऊपर चढ़ गया है और यहाँ से खड़े होके देखता है, जिससे थोड़ा क्लियर व्यू मिल पाए। नीचे से उतना क्लियर दिखता नहीं है, है ना सिम्बू? शेरू का ऊपर मन नहीं लगता, उसको जाना है नीचे। नो सिम्बू, क्या है बच्चे? बच्चे आ गए हैं घूम के। इनको मेरे साथ सुबह टाइम में घूमने में मजा नहीं आता है, क्योंकि पापा थोड़ा दूर तक लेके जाते हैं, तो पापा के साथ मजा आता है ना सिम्बू शेरू? ये मौसम इतना गंदा वाला सीजन है ना, ये बच्चों के हिसाब से इतनी मक्खियाँ वहाँ पर रहती है और सब कीचड़, ये सब बड़ी दिक्कत जाती है। आज इतनी फ्लाइज थी, मुझे लगता है जिनको थोड़ा सा नहलाना पड़ेगा। मुझे नहला दूँगी थोड़ा सा, तो काम आसान हो जाएगा कल के लिए भी। आज नहला देते हैं। घर आ गई हूँ तो जियो उठ गई है और इनको खाना भी खिला रही है ना जियो? वो कितने प्यार से खाते भी है उसके हाथ से। गुड गर्ल, जियो इज अ गुड गर्ल। ये आ गया हमारा सैटरडे स्पेशल सूरती नाश्ता। टको नहीं रहते तो हम बाहर का खाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको हम प्रिफर करते कि घर का दिया जाए। वो जब नहीं होते तो हम लोग ऐसा नाश्ता कुछ भी। ये चतुर्वेदी जी है, चतुर्वेदी जी। भाई 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 भाई, गाड़ी स्लिप कर रही है बारिश में। ये देखो भाई कौन है ये? ओ सिर। नीरज ऑफिस से हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। ओह सुको होती तो यहाँ पे कंफर्म है, वो यहाँ पे फोटो खिंचवाती थी, 100% फोटो खिंचवाती थी। इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू हैव फ्रोयोस, फ्रोयो। ये टॉपिंग्स कर रहे हैं, ये टॉपिंग्स डाल रहे हैं हम लोग। टॉपिंग्स के अंदर है मैंगो बॉल्स है, जैम्स है, ओरियो क्रस्ट है, चोको चिप्स है, किटकैट बिट्स है, बहुत सारे टॉपिंग हैं भाई। ये सब अपने को नहीं बताया, बट इतना पता है कि बस टॉपिंग्स हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है,
दोपहर के कितने 2 बजे होंगे अभी, जियो सो नहीं रहा है और बाहर इतनी बारिश चल रही है। ये आपको नज़ारा दिखाते हैं हमारा। मैंने जियो से कहा है कि वहाँ मत जा, मैं लेने नहीं आऊँगी, तो देखिए वो कैसे उतर रही है अब। चेरू आराम से रहा करो। अरे ये आपको दिख रहा है, ये है टिक। ये ऐसे कहीं पर भी रहते हैं, इसका कोई सीजन ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ये बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसको निकाल के अच्छे से इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ये इजीली हटते नहीं हैं। मुझे कल भी शेरू के अंदर एक मिला था और आज भी एक मिला है। हो गया है घर में बहुत ज़्यादा बोर, तो जियो को लेकर मैं आई हूँ नीचे। और बाहर हो रही है हल्की बारिश, तो दूर तो जा नहीं सके, तो नीचे ही घूम लेते हैं थोड़ी देर। मेरे बाल सब बिखर गए हवा से। जिमो क्या हुआ, क्या हुआ? जिम्मू को घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो अलग ही कर रही थी आज, खिलौने से फेंक दे रही थी, चिड़चिड़ बिल्कुल कर रही थी। तो और इसको नीचे आने के लिए वो इतना सब कर रही थी, तो मैंने उसको ले आई। मैं मुझे भी मन नहीं था आने का, बहुत बोर हो जाता है यार। मतलब एक टाइम रहता है कि टको के बिना रहने का, पता है कि 5, 6, 7, 8 बजे तक ऑफिस रहता है, पर पता हो कि वो लेट आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड द किड्स ऑल्सो। जिम्मू और मैं तो बैठ गए भाई यहाँ पे घूमनी करने के लिए। जी बच्चों को कितना रहता है ना कि पत्ता क्यों आ गया मेरे चेहरे में, मम्मी है कि नहीं, मम्मी को पकड़ो, अपनी छोड़ 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 बेटा, ऐसे नहीं पा तोड़ते बेटा, नहीं मेरा बेटा, हाँ हाँ हाँ। चल देखिए हमारे बिल्कुल यहाँ पे स्काई कैसे एकदम मस्त ब्लू हो गया है, दिख रहा है आपको, है ना जी? क्या देख रहे हैं सिम्बू? चेरू इधर आ। जियो को भी मैंने सुला दिया है, जियो को सुला दिया है, सिम्बू शेरू भी बाहर सो रहे हैं और टोको अभी आने वाले हैं ऑलमोस्ट 12:30 रात में। और उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई, वो जो वहाँ होटल में रुके थे वहाँ से स्टेशन तक उनको आना था, ट्रेन से गए हैं सब लोग, तो वहाँ पे ना इतनी बारिश हुई है अहमदाबाद में कि इन लोग जिस कैब से आ रहे थे उसमें पूरा पानी भर गया था, पर सेफली इन लोग पहुँच गए हैं। और किसी भी तरह इनको आज आना ही था घर, रुकने का कोई प्लान था नहीं, तो बड़े जद्दोजहद करके किसी तरह स्टेशन पहुँचे हैं। तो बहुत डर भी लगता है ऐसे में, पता नहीं चलता सब कैसे क्या, अब आएंगे तो पता चलेगा। फ़ोन पे तो मुझे इतना बस पता हुआ है कि बड़ी बहुत ज़्यादा बारिश थी और कैब में पानी आ गया था, बाकी वो आएंगे तो पता चलेगा। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ, अभी तो 10 बजे है, अभी अभी और 2-2.5 घंटे है उनके पास में।